पता है कोई लड़की अपने दिल की बात किसी को क्यों नहीं कहती जनरली? अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सुर्ख नखा ने एक बार ट्राई किया था, सबको पता है क्या हुआ, लेकिन एक्चुअली वो एक मिथ है। और फैक्ट ये है कि अक्सर जो लड़कियां होती है वो काफ़ी शर्मीली होती है और इसी वजह से ना लड़कों को अपने दिल की बात नहीं कहती, लेकिन वो साइकोलॉजिकली वो ऐसी हरकतें ज़रूर करती है जिससे सामने वाला ये समझ पाए कि वो आपको प्यार करती है। और आज हम बात करेंगे इन्हीं साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में। और अगर कोई लड़की आपको ये सारी जो हरकत है ना वो करती है तो बेशक वो आपको प्यार करती है। दोस्तों, नंबर वन चीज़ है अपने बालों से खेलना। देखो, बहुत बार लड़की अपने बालों से खेलती है। अक्सर कभी कभी गर्ल्स क्या होता है कि वो जब बहुत खुश रहती है तो बस अपने बालों को उस तरह से टच करती है, लेकिन कोई गर्ल ऐसी है जो हर बार जब आपसे बात कर रही है तो अपने बालों को खेल रही है और अपने बॉडी को ना मूव कर रही है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक उसका बिहेवियर है जिससे वो आपको ये बताती है, या फिर कहीं ना कहीं उसकी ये हरकत है जिससे आप वो समझ सकते हो कि वो आपको प्यार करती है। नंबर दूसरा, आपके बारे में जानने की कोशिश करना। देखो क्या होता है ना कि अगर आप वो आप पे इंटरेस्टेड है तो वो अपने आपके दोस्तों से आपके बारे में जानने का कोशिश करती है, या फिर अपने दोस्तों से आपके बारे में जानने का कोशिश करती है, तो इस चीज़ से भी आप समझ सकते हो कि वो गर्ल जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको प्यार करती है और उसके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स ज़रूर है और इसीलिए वो ये हरकतें करती हैं। नंबर तीसरा, आपको देखकर हल्की सी स्माइल करना और थोड़ा सा शर्माना। अब देखो, अक्सर बहुत सारे लोग किसी को भी देखकर स्माइल करते हैं। स्माइल एक ऐसा गेस्चर है हमारा जिससे हम सामने वाले को ये दर्शाते हैं कि आपको मिलकर खुशी हुई, लेकिन अगर कोई आपको देखकर स्माइल के साथ साथ हल्का सा शर्मा भी रहा है तो वो एक रोमांटिक गेस्चर है और इस गेस्चर से आप ये समझ सकते हो कि वो ना आपको कहीं ना कहीं पसंद करती है और इसी वजह से ये गेस्चर कर रही है। दोस्तों, नंबर फोर्थ साइन है आपको सोशल मीडिया पर चेक करना और आपके फ़ोटोज़ वगैरह को लाइक करना, और ये हमेशा करना। कोई गर्ल अगर आपके फ़ोटोज़ वगैरह हमेशा सोशल मीडिया पर लाइक करती है और हर फोटो पे कमेंट करती है तो ये चीज़ हो सकता है कि वो आपको लाइक करती है, क्योंकि लड़कियाँ लड़कों के मुकाबले थोड़ी उनमें एटीट्यूड होती है, वो जनरली किसी की फ़ोटो को लाइक या कमेंट नहीं करती, लेकिन कोई गर्ल अगर खास आपके लिए ये चीज़ कर रही है तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और इसीलिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें। इससे ना कोई गर्ल आपके बारे में जानने का चाहती है कि आप किस तरह के इंसान हो, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से वो देखती है। नंबर फिफ्थ, अपने लिप्स को बाइट करना। अब देखो, ये चीज़ का ना दो रीज़न हो सकता है। किसी गर्ल का ये बिहेवियर हो सकता है कि वो अपने लिप्स को बाइट करती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं वो आपके साथ उसका एक लव डिज़ायर है इसीलिए वो ऐसा कर रही है। अब आप कैसे समझ सकते हो कि इन दोनों में से कौन है? अब देखो, कोई गर्ल अगर आप देखते हो कि वो बैठे हुए यूँ बस ऐसे ही अपने लिप्स को बाइट कर रही है तो यह उसका बिहेवियर है, लेकिन अगर जब वो लिप्स को बाइट करी आपको देखो और अपने बॉडी को हल्का सा मूव कर रही है तो उससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके लिए एक लव डिज़ायर है इसीलिए वो ऐसा करती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, किसी को आपसे बात करते हुए देखकर जेलस करना। अब देखो, ये ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और इससे उस गर्ल को जेलसी हो रही है तो आप इसे बेशक समझ सकते हो, ये बहुत बड़ा साइन है कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपको प्यार करता है इसीलिए उसे जेलसी हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप किसी गर्ल के साथ मैच कर रहा है सारे ये पॉइंट्स, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ये मेरा सोशल आईडी है, सोशल मीडिया साइट, आप चाहो तो फॉलो या विजिट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। बाय।